तो जब ये पॉलन जो है इसके सिग्मा पे आके, अच्छा सर स्टार्टिंग से कर दें। हाँ अच्छा डॉक्टर भारद्वाज सर हैं, डी एन भारद्वाज सर हैं, ये रिटायर्ड प्रोफेसर हैं यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, और कई सारी किताबें लिखी हैं, वर्ल्ड वाइड किताबें चल रही हैं। ये आज बताएंगे मक्के के पॉलिनेशन के बारे में और कंट्रोल्ड पॉलिनेशन कैसे है, इसके बारे में डॉक्टर साहब प्लीज बताएँ। ये मक्के का पौधा जी, हाँ, ये देखिए एक मक्के का पौधा है जी और इसका बॉटनिकल नेम है जी मेज, जी जिया मेज। और इसमें मक्के में आप देखते हैं कि फीमेल पार्ट जो है वो भुट्टा बनता है जी और मेल पार्ट से पालन पैदा होता है, जिसका कि पालन ग्रेन पराग कण आके स्टिग्मा पे गिरता है और जी गिरने के बाद वो पालन ट्यूब बना के ओवरी का फर्टिलाइजेशन करता है, तब ये दाना बनता है। एक बहुत खास चीज़ ये है कि मक्के में कभी भी आप गिनेंगे तो इसमें जो है सम लाइनें होती हैं, विषम जी नहीं होती हैं, वजह कि ओबरी हमेशा दो होती हैं एक में, तो जब भी पॉलिनेशन होगा तो दोनों का पॉलिनेशन होगा, इसकी वजह से हमेशा सम लाइन होंगी, 20 हों, 22 हों, 24 हों, 30 हों, 32 हों, 35 हों, अच्छा अच्छा वो अच्छा सारी 34 हों, लेकिन 35, 33, 31 ये ये कभी नहीं नहीं हो मिलेंगे। सकती है तो सबसे खास बात यह है कि मक्का एक ऐसा पौधा है जिसको हम साल में 3 बार उगा सकते हैं। जी। और आपने देखा होगा कि आजकल बेबी शुगर के नाम से बहुत ज़्यादा आपको हॉस्टल्स में, होटल्स में, रेस्टोरेंट में सब्जी इसकी मिलती है, इसमें बहुत सारी प्रोटीन होती है, लेकिन वो तब तब बनाई जाती है जब तक कि इसमें पॉलिनेशन ना हो और दाना ना बना हो। अच्छा हाँ, हाँ बहुत मतलब मुलायम सी जो ककड़ी सी रहती है उसकी, उसको हम काट के ये जैसे इस सब्जियां स्टेज बनाते की है हैं। ये वाली आप देख रहे हैं जी ये जी जी, अच्छा अभी अच्छा इसमें पॉलिनेशन नहीं हाँ हुआ नहीं है, हुआ है ठीक है। जी। इसकी जो है थोड़ा और बड़ा हो जाएगा एक हाँ दो हाँ दिन में, जी तो इसको जब निकालेंगे तो जो छूछी होती है जी 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 जिसके ऊपर दाने लगते हैं हाँ वह हाँ उसकी सब्जी बनती है, दाना अच्छा नहीं डेवलप होना चाहिए। तो हो ये है। और मक्के का आजकल बहुत सारा उपयोग होने लगा है और आप देखेंगे कि मक्के का स्टार्च भी बन रहा है जो कि मार्केट में अवेलेबल है, मक्के से ग्लूकोज भी बन रहा है, पॉपकॉर्न आपने देखा ही होगा, सब जी लोगों ने खाया भी होगा, और इसके साथ साथ मक्के का तेल जो बहुत ही पौष्टिक हो गया है, मेज ऑयल कहलाता है। तो मेज ऑयल मक्के के दाने से मेज ऑयल निकालने के बाद में जो बचता है उसको हम क्रश करके और प्रोसेस करके कॉर्नफ्लेक्स बनाते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी प्रोटीन पाई जाती है। तो इस तरह से मक्का एक बहुउपयोगी पौधा हो गया है और संसार में इस समय मक्के के तेल की बहुत अच्छी डिमांड है। ये हेल्थ ऑयल है और इसका मतलब हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे माना जाता है। जी तो मक्का एक तरह से हमारे लिए बहुउपयोगी हो गया है और 3 बार फसल होने की वजह से इसको सारी क्लाइमेट में, गर्मी में, सर्दी में, किसी भी सीजन में इसको उगाया जा सकता है। और कोई ये सर इसके बारे में बताना अच्छा, अब ये देख रहे हैं आप, ये एक बैग पहनाया गया है भुट्टे के ऊपर, जी। वो इसलिए पहनाया गया है कि भुट्टे पे जो ये आप जो देख रहे हैं, ये फीमेल ऑर्गन है हाँ ये फीमेल ऑर्गन है, जी। ये जो देख रहे हैं अब ये इसमें पॉलिनेशन हो चुका है, अच्छा इसमें दाना बनना शुरू हो स्टार्ट हो गया, गया जी लेकिन इसके खुलने से पहले ही हमने इसको ये बैग पहना दिया है, जी जिसकी वजह से क्या होगा ये देखिए आप, बैग हमने ये पहनाया हुआ है, ये बैग पहनाया हुआ है, जी ये देखिए, हाँ है ना। और इससे ये होगा कि जो दूसरे पौधे का पालन है जी वो इसके ऊपर नहीं जा सकता है, जब नहीं जाएगा तो क्या होगा, इसमें दाना भी नहीं बनेगा। जी लेकिन हम क्या करेंगे, जिस मक्के के पौधे से हम इसको पॉलिनेट करना चाहेंगे जी उसका पालन लेके इसके अच्छा ऊपर हम डस्ट करेंगे, डस्ट करेंगे अच्छा तो अच्छा उसकी वजह से क्या होगा कि हम जिस तरह का दाना चाहते हैं, जिस जी पौधे से इसको क्रॉस करना चाहते हैं, वो वही सिर्फ इस पे जो है क्रॉस करेगा और जी उसी तरह का हमको बीज प्राप्त मिलेगा होगा। तो उससे पहले वाले से बेटर हो जाएगा, इसमें दोनों के गुण आएंगे, इस प्लांट के भी गुण आएंगे बीज में हाँ, दोनों के आएंगे। जी। वजह यह है कि इसमें कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है जी मक्के में, और उसको अगर हम कहीं पे यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं, सिंगल वैरायटी को मेंटेन करना चाहते हैं, तो फिर हम ये कंट्रोल्ड पॉलिनेशन करते हैं अपनाते हैं। तो इसे सर ये जैसे इसकी वो चेंज करना है, हायर क्वालिटी का बीज बनाना है उसके लिए भी यही प्रोसीजर है हाँ, उसके लिए यही प्रोसेस है, जी क्योंकि
आप देखेंगे कि जैसे ये मान लीजिए ये तो एक एक ही वैरायटी के हैं जी, कई बार ऐसा होता है इसका पॉलिन बहुत दूर तक उड़ के जाता है, ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है जी, और इसका पॉलिन जो है उड़ के 500 मीटर 1000 मीटर तक चला जाता है। तो हमेशा क्या करते हैं, जब हम जहाँ पे सीड प्रोडक्शन करते हैं वहाँ पे आइसोलेशन में इसको बोते हैं, जिससे कि 500 मीटर या 1000 मीटर में कोई दूसरा मक्के का खेत नहीं होना चाहिए, तभी हम उसकी क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, दूसरी वैरायटी का पालन आके इसको पॉलिनेट कर देगा और तब हमारा मक्का का दाना जो है वो मिक्सचर हो जाएगा। तो मिक्सचर के बाद में क्या होता है, देखिए यूनिफॉर्मिटी मैच्योरिटी नहीं आ सकती है, पौधे का साइज भी छोटा बड़ा हो सकता है, भुट्टे का साइज भी छोटा बड़ा हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि भुट्टे में जीनिया एक टर्म है जेनेटिक्स का, वो पाया जाता है। तो आप भुट्टे में देखते होंगे कहीं लाल दाना हो गया, कहीं काला दाना हो गया, कहीं पीला दाना हो गया, कहीं सफेद दाना हो गया। तो ये इसलिए होता है कि दूसरे पौधे का पालन इस पे आके जब पॉलिनेट कर देता है तो उसी तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, उसके गुड़ इसमें आ जाते हैं। तो इसीलिए हम ये कंट्रोल पॉलिनेशन करते हैं जी, और जिसकी वजह से हमको जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हमको दाना प्राप्त होता है। थैंक यू।